हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज, जिसे रोज प्रैक्टिस करके आप बहुत आगे निकल सकते हैं, आपका एग्जाम अवश्य क्रैक होगा। दोस्तों, प्रैक्टिस ही आपको महान बनाएगा, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहिए। एक दिन 15 घंटा पढ़ने से अच्छा है कि डेली बेसिस पे आप 4 घंटा 5 घंटा पढ़िए, वो आपको ज्यादा काम देगा। ऐसा नहीं कि एक दिन 15 घंटा पढ़ लिए और 10 दिन बीमार पड़ गए, उसके बाद आपका 15 दिन का पढ़ाई खत्म हो गया। तो डेली बेसिस पे एक रूटीन बनाइए कि हमको इतना पढ़ना ही है। जैसे आप खाना नहीं भूलते, उसी तरह आप प्रैक्टिस करना या पढ़ना न भूलिए, जब तक आपका लक्ष्य प्राप्ति न हो। तो दोस्तों, डेली बेसिस से मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ 7 से 8 हजार क्वेश्चंस का, जिसका मैं जल्द से जल्द पूरा करने वाली हूँ। चाहे आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यूपी एलटी ग्रेड हो, अदर स्टेट की टीजीटी पीजीटी हो, एमपी टेट हो, एमपी सुपर टेट हो, सभी के लिए मेरे चैनल पे टॉपिक वाइज थ्योरी सेशन, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्रैक्टिस, वन लाइनर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड डेली बेसिस से मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। ये सभी चीजें चैनल के प्लेलिस्ट में चेकआउट कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। 50 क्वेश्चंस है, रेडी हो जाइए आप सभी अपना अपना रैंक देखने के लिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेल किस स्वर्णिम प्राचीन सभ्यता की धरोहर है। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में यूनान यानी ग्रीस में खेला जाता था। तो कहां की स्वर्णिम प्राचीन सभ्यता की धरोहर है, तो ग्रीस की। कहां की है, तो ग्रीस की। नेक्स्ट दोस्तों, एथलीट शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई थी। तो एथलीट शब्द की उत्पत्ति हुआ था एथेन से। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेल 2016 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, ओलंपिक खेल 2016 का आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जिसमें भारत ने ओनली 2 पदक जीता था। एक बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने रजत पदक, दूसरा कुश्ती में साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीता था। एंड 2020 टोक्यो ओलंपिक जापान में हुआ, टोक्यो में, जिसमें 7 पदक भारत ने जीता, 1 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य पदक। 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 1 स्वर्ण नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जीता, जिसमें 87.58 मीटर भाला थ्रो किया था। रजत पदक में मीराबाई चानू वेटलिफ्टर में एंड रवि कुमार दहिया कुश्ती में, एंड कांस्य पदक में 4 पदक जीते हैं, 4 कांस्य पदक लवलीना बोर्गे हैंड बॉक्सिंग में, पीवी सिंधु बैडमिंटन में, बजरंग पुनिया कुश्ती में एंड भारतीय हॉकी टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्रतम शारीरिक वृद्धि किसका परिणाम है। तो तीव्रतम शारीरिक वृद्धि किसका परिणाम है दोस्तों, तो यह है जैव रासायनिक परिवर्तन, अंतः स्त्रावी परिवर्तन, एंचय अपचय परिवर्तन, इन सभी चीजों का परिणाम है। उपरोक्त सभी यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आयु एवं लिंग भेद का ज्ञान आवश्यक है किसके लिए। तो आसन है शारीरिक क्रिया कार्यक्रम निर्माण हेतु जरूर आवश्यक है, एंड शारीरिक क्रिया के कार्यक्रमों के आयोजन हेतु इसमें भी आवश्यक है, एंड सामाजिक कारकों को ध्यान में रखने हेतु इसमें भी आवश्यक है। तो उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का चरित्र बहुआयामी है, इसकी विषय वस्तु किससे ली गई है। तो दोस्तों, जीव विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, व्यवहार विज्ञान, इन तीनों से लिया गया है, इन तीनों से रिलेटेड है शारीरिक शिक्षा। उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मांसपेशी संकुचन का प्रत्यक्ष स्रोत क्या है।
तो दोस्तों मांसपेशी संकुचन का प्रत्यक्ष स्रोत है शर्करा यानी कि कार्बोहाइड्रेट। इसी से ऊर्जा मिलती है जिससे हम कोई कार्य कर लेते हैं। एटीपी का निर्माण होता है ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण द्वारा, कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इसी से एटीपी का निर्माण होता है जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा आती है और मांसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होती है, हम कार्य कर पाते हैं। ऊर्जा की कमी हो जाती है तो हम कार्य नहीं कर पाते हैं, थक जाते हैं। नेक्स्ट है मांसपेशी दुग्धारम यानी कि लैक्टिक एसिड को व्यायाम के पश्चात कितने समय में समाप्त करती है। तो इसका राइट आंसर होगा 60 मिनट में। जो लैक्टिक अम्ल होता है आप व्यायाम कर रहे हैं तो 60 मिनट के बाद वो धीरे धीरे समाप्त होती है। नेक्स्ट है बृहद अभिघात मेजर ट्रेम्यूमेंट्स है, क्या है? तो यह है स्वास्थ्य उत्तक पर आघात को हम कहते हैं बृहद अभिघात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यादातर इसमें क्वेश्चन अब आपको मिलेंगे सभी के सभी मिलान करने वाले, तो ध्यान से आप सभी मिलान कीजिए। 10वां क्वेश्चन है, एक दूसरे से मिलान करना है। ग्रास नली, ग्रास नली किसका भाग है दोस्तों? आइसोफेगस या पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का भाग है, तो ए का 3 हो जाएगा। एंड श्वास नली बी है, श्वास नली किसका भाग है? श्वसन तंत्र का, ठीक है। अंग मस्तिष्क सेरिब्रम किसका भाग है? स्नायु तंत्र यानी कि तंत्रिका तंत्र का। कोशिका नली यह किसका भाग है? रक्त संचरण तंत्र का। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन अब आपको मिलाने वाला ही मिलेंगे, दोनों से मिलाना है, देखते हैं। और है उत्तारण यानी कि सुपाइनेशन, सुपाइनेशन और प्रोनेशन दो होता है, जिसमें सुपाइनेशन में हम पीठ दर्द लेटते हैं, हमारी हथेलियां आसमान की ओर होती है यानी ऊपर की तरफ मुड़ना होता है। तो यहाँ पे आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर क, कौन होगा? ऑप्शन नंबर क यानी ए का आपका हो जाएगा एक, यानी उत्तानन जो है सुपाइनेशन क्या है? हथेली को ऊपर की तरफ मोड़ना, ए हो जाएगा ए का। एंड दूसरा बी है अधोवर्तन यानी कि प्रोनेशन डाउनग्रेड, इसमें क्या होगा कि बी का 4 होगा यानी कि हथेली को नीचे की ओर मोड़ना। एंड सी है अपावर्तन यानी कि एबडक्शन, इसमें क्या होता है कि शरीर से दूर ले जाते हैं अपने हाथ को कंधे की सीध में यानी शरीर के मध्य भाग से दूर, यानी कि सी का 3 होगा, सी का 3 होगा, ठीक है। शरीर के मध्य भाग से दूर की क्रिया को हम कहते हैं एबडक्शन। एंड डी है अभिपरिवर्तन कन्वर्जन, इसमें आपका एडक्शन की बात कर रहा है, इसका आपका राइट होगा 2, ठीक है। 2 होगा शरीर के मध्य भाग की ओर क्रिया। तो इस प्रकार राइट हो जाएगा क आपका। नेक्स्ट है, दोनों में आपको मिलाना है, यहां पे है आपका डबल फॉल्ट। सबसे पहले आपके आपको जो आ रहा है उसको मिलाइए। आपको आ रहा है स्कूप, सबको आ रहा है स्कूप जो है हॉकी से रिलेटेड है। चेकमेट दो है जो है वो शतरंज से रिलेटेड है, यानी कि बी का 1 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। अब बचा लेट और डबल फॉल्ट, लेट और डबल फॉल्ट, तो आपका लेट और डबल फॉल्ट क्या हो जाएगा? डबल फॉल्ट शब्द हो जाएगा आपका टेनिस में एंड लेट शब्द हो जाएगा बैडमिंटन में, लेट शब्द हो जाएगा बैडमिंटन में। आपका ऑप्शन नंबर घ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलाने से ही संबंधित है सभी क्वेश्चंस, आपको मिलाना है। स्टेडियोमीटर जो है वह शरीर की ऊंचाई या लंबाई मापने का यंत्र है, तो आपका स्टेडियोमीटर ए हो जाएगा 3, ठीक है, ए का 3 हो जाएगा ऊंचाई मापक यंत्र। स्किन फोल्ड कैलिपर क्या कहता है? यह वसा को यानी त्वचीय मापता है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या करता है? हृदय की अनियमितता को बताता है, हृदय चक्र। बायोप्सी क्या करता है? मांसपेशी तंतु का परीक्षण करता है। तो आपने सही आंसर टिक कर लिया होगा, तो यहां पे हो जाएगा गो ऑप्शन राइट।
नेक्स्ट है यहाँ भी आपको सही मिलाना है, ध्यान से मिलाइएगा इसे। श्वसन तंत्र से रिलेटेड और व्यायाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्राण धार क्षमता, ये है प्राण धार क्षमता। ये क्या है? प्राण धार क्षमता यानी कि वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी होती क्या है? मैंने आपको बताया है कई बार कि पूरी शक्ति के साथ इंस्पायरेशन यानी श्वास लेने के बाद फिर से पूरी श्वास से जो सांस लेते हैं उसको कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। यानी कि वाइटल कैपेसिटी आपकी होती है कि फेफड़ों की वह क्षमता जो एक बार पूर्ण रूप से अंतर श्वसन यानी इंस्पायरेशन करके पूरे बल के साथ जो हवा वाह श्वसन द्वारा बाहर निकाली जाती है उसकी मात्रा को वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। या तो इस प्रकार भी कह सकते हैं कि अधिकतम अंतर श्वसन के बाद हवा की सबसे बड़ी मात्रा जो श्वास द्वारा छोड़ी जा सकती है। तो यहां भी सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर क आपका राइट होगा, उसके बाद मिला लेते हैं। तो ए का टू हो जाएगा, प्राणधार क्षमता का क्या हो जाएगा? प्राणधार क्षमता का हो जाएगा टू, यानी फेफड़े की कुल क्षमता का एक प्रमुख भाग होता है, ठीक। एंड दूसरा है सूक्ष्म संवातन यानी कि माइनर वेंटिलेशन, माइनर वेंटिलेशन। तो बी का थ्री हो जाएगा। माइनर वेंटिलेशन क्या होता है? यह एक मिनट में सांस लेने में या सांस छोड़ने में हवा की जो मात्रा होती है उसे माइनर वेंटिलेशन कहते हैं। एंड तीसरा है अवशिष्ट वायु यानी रेसिडुअल एयर। इसमें क्या होता है कि पूर्ण श्वास छोड़ने के उपरांत, पूरा हमने सांस ले लिया उसके उपरांत भी फेफड़ों में जो हवा बची रहती है उस वायु की मात्रा को हम कहते हैं अवशिष्ट वायु या रेसिडुअल एयर। चौथा है ज्वारीय परिणाम यानी कि टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? जब सामान्य श्वसन जो हम लेते हैं उसमें इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन यानी श्वास अंदर ले रहे हैं श्वास बाहर ले रहे हैं उस प्रक्रिया को कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको मिलान करना है दूसरे से, तो ध्यान पूर्वक मिलाइएगा। टेस्ट मेजरमेंट इवैल्यूएशन से संबंधित है, सभी खेलों स्किल टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जैसे वॉलीबॉल टेस्ट, बास्केटबॉल टेस्ट, टेनिस टेस्ट एंड फुटबॉल टेस्ट। तो वॉलीबॉल टेस्ट के अंतर्गत आपका रसल लैंड टेस्ट, ब्रेडी वॉलीबॉल टेस्ट आता है। एंड बास्केटबॉल टेस्ट के अंतर्गत जोहानसन बास्केटबॉल टेस्ट, नॉक बास्केटबॉल टेस्ट, स्ट्रॉक बास्केटबॉल टेस्ट, हैरिसन बास्केटबॉल टेस्ट आता है। एंड टेनिस टेस्ट के अंतर्गत डायर टेनिस टेस्ट, ब्रोअर मिलर टेस्ट, एवरी रिचर्सन टेस्ट आता है। एंड फुटबॉल में आपका आता है जोहानसन साकर टेस्ट, यमसी डोनाल्ड साकर टेस्ट, क्रेव साकर टेस्ट। और आप मिलाइए वॉलीबॉल में, वॉलीबॉल ए का हो जाएगा आपका रसल लेंज टेस्ट, ए का फोर हो जाएगा। एंड बास्केटबॉल में हो जाएगा आपका नॉक टेस्ट। एंड टेनिस का हो जाएगा ब्रोअर मिलर टेस्ट, फुटबॉल का हो जाएगा मैकडोनाल्ड टेस्ट। तो यहाँ पे राइट क्या हो गया आपका? राइट हो गया ख, ऑप्शन नंबर ख आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी मिलाने वाले क्वेश्चन है मैचिंग के, इसमें है आपको ध्यान से आंसर देना होगा कि क्रिएटिन फॉस्फेट क्या है। क्रिएटिन फॉस्फेट क्या है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों घ। तो ए का थ्री हो जाएगा। क्रिएटिन फॉस्फेट जो है ए का थ्री हो जाएगा। क्रिएटिन फॉस्फेट जो है मांसपेशीय संकुचन के समय प्रयुक्त अनएरोबिक ऊर्जा का स्रोत है। ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसका सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकता है बिना मैचिंग का कि क्रिएटिन फॉस्फेट का क्या कार्य है। तो क्रिएटिन फॉस्फेट मांसपेशीय संकुचन के समय प्रयुक्त अनएरोबिक ऊर्जा का स्रोत है। अब बी का हो जाएगा, बी है हेक्सोज फॉस्फेट, इसका हो जाएगा वन, ठीक है।
कार्बोहाइड्रेट उपापचय चय अपचय मेटाबॉलिज्म का कार्य करता है 100 फॉस्फेट। एंड सी है प्रोटीन, यह इसका हो जाएगा 4, यानी लेसिथिन के रूप में मांसपेशी में उपस्थित होता है। और वसा जो है इसका हो जाएगा 2, मांसपेशीय शर्करा में पाया जाता है। इस प्रकार घ आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको मिलान करना है, मनोरंजन से रिलेटेड है, जैसा कि आप इसको आसानी से मिला सकते हैं। जैसे कि दिया है चिकित्सकीय मनोरंजन, तो इसका अस्पताल हो जाएगा। एंड संस्थागत मनोरंजन, इसका स्कूल कॉलेज हो जाएगा। एंड वाणिज्यिक मनोरंजन, इसका मनोविरोध हो जाएगा। औद्योगिक मनोरंजन, इसका व्यवसाय हो जाएगा। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? गो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही मैच नहीं है? तो दोस्तों इसमें कौन सा जोड़ा सही मैच नहीं है ये आपको बताना है। जैसे कि इसमें दिया है संरचनात्मक आयु, जैसे कि मनोविज्ञान तथा शरीर रचना विज्ञान के आधार पर मनुष्य की आयु ज्ञात करने की विधियां हैं कालक्रम या आयु, यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज, जिसमें जन्म से लेकर वर्षों महीनों दिनों में आयु ज्ञात किया जाता है, जिसे कैलेंडर एज या मार्कशीट आयु के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हम लोगों का होता है कि इसका जन्म तिथि 12/5/2072 है या 2092 है, 2006 है, इस प्रकार से। एंड दूसरा होता है एनाटॉमिकल एज, यानी शरीर रचना आयु। शरीर रचना आयु में क्या होता है, इसमें ऑसिफिकेशन ऑफ बोन यानी कि अस्थियों की परिपक्वता पर निर्भर होता है, अंगों के पूर्व विकास से आयु का पता लगाया जाता है। एंड तीसरा होता है दैहिक आयु, यानी सारी क्रियात्मक आयु यानी फिजियोलॉजिकल एज, जिसमें लड़कियों में मासिक धर्म से रिलेटेड एंड लड़कों में प्यूबिक हेयर, यानी शरीर में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके आधार पर जो चीजें होती हैं उसे ज्ञात किया जाता है। चौथा होता है मानसिक आयु, जिसमें मानसिक मेंटल एज, जिसमें मानसिक परीक्षण किया जाता है, जिसको सूत्र है बुद्धि लब्धि IQ बराबर मानसिक आयु बटे कालक्रमिक आयु गुणे 100। तो इस प्रकार इसका आंसर हम देते हैं, आप सब लोग सही आंसर टिक कर लिए होंगे। जैसे कि क दिया है संरचनात्मक आयु, क्या है संरचनात्मक आयु, यानी कि एनाटॉमिकल एज, जो अस्थियों के परिपक्वता पर आधारित होती है, तो ये आपका राइट है। ख है दैहिक क्रियात्मक आयु यानी फिजियोलॉजिकल एज, तो यौन लक्षण, ये भी आपका राइट है। घ है कालक्रमिक आयु यानी पंचांग आयु, जो कैलेंडर आयु भी हमको बोलते हैं, ये भी राइट है। और ग है आपका मानसिक आयु, जो द्वितीय यौन लक्षण, ये आपका राइट नहीं है। इसमें आपका मानसिक आयु ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है IQ बराबर MA/CA/100, ये आपका राइट नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही मैच नहीं है? तो दोस्तों इसमें कौन सा जोड़ा सही मैच नहीं है, तो आपको देखना है क है अधोवर्तन और उत्तानन, यानी कि प्रोनेशन और सुपाइनेशन, ये आपका सही मैच है। प्रोनेशन यानी कि हथेली को नीचे की तरफ करना, पेट की बल लेचना। उत्तानन यानी कि सुपाइनेशन, हथेली को ऊपर की तरफ करना, यानी कि पीठ के बल लेटना, ठीक। और दूसरा है एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, यानी जो मांसपेशी की गति में मुख्य भूमिका अदा करता है उसको एगोनिस्ट कहते हैं, जो उसके विपरीत भूमिका अदा करता है उसको एंटागोनिस्ट कहते हैं। दोनों एक साथ प्रक्रियाएं होती हैं, तो ये भी राइट है। और समीपस्थ और दूरस्थ, ये भी राइट है। मांसपेशी उत्तक, ये आपका राइट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जोड़ा मैच नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में से कौन सा जोड़ा सही मैच नहीं है, तो इसको आपको बताना होगा इसमें कौन सा सही मैच नहीं है। तो अवयव अवायवी इसका होना चाहिए था, तो यही आपका सही मैच नहीं है, ठीक है। कौन ही आपका सही मैच नहीं है और सब सही मैच है, यानी कि दिल या फेफड़े, अस्थि, उत्तक, यकृत कोशिकाएं, ये आपका राइट है। नेक्स्ट है किसमें हवाई कालाबाजी प्रक्षेप सिद्धांत का सर्वोत्तम उदाहरण है,
तो इसका राइट आंसर है ऊंचाई। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही है? तो इसमें सही है क, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, बार डायग्राम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये आपका राइट है। नेक्स्ट है, ओलंपिक के आयोजन स्थान नीचे दिए गए हैं, इनके शुभंकर को आपको क्रमबद्ध में लिखना है। तो सबसे क दिया हुआ है, क दिया है मॉन्ट्रियल, क का दिया है। जैसे कि दोस्तों शुभंकर की शुरुआत 1968 मेक्सिको सिटी से शुरुआत हुआ, जिसका 1968 मेक्सिको सिटी का था पालोमा कबूतर। एंड इसमें आपको छाटना है मॉन्ट्रियल कनाडा, मॉन्ट्रियल कनाडा 1976 में हुआ था, जिसका था शुभंकर अमिक, यानी कि यहाँ पे आपका गो ऑप्शन राइट हो जाएगा, गो ऑप्शन राइट हो जाएगा। मॉन्ट्रियल कनाडा का अमिक था, मास्को 1980 मास्को रूस का मीसा भालू था, एंड लॉस एंजल्स अमेरिका 1984 का सैम बाजपक्षी था, एंड अटलांटा अमेरिका अटलांटा 1996 का था इजी मिक्की माउस। तो आपका राइट हो जाएगा ग। आपको ध्यान में रखना है कि 2020 जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसका शुभंकर क्या था, मिराई तोआ था, क्या था, मिराई तोआ। 2016 रियो ओलंपिक का विनीसियस, ठीक है। तो लास्ट वाला मिराई तोआ याद रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 का मिराई तोआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है सांख्यिकीय मापन के सूक्ष्म विवरण, जैसे टी टेस्ट, लाइनर रिग्रेशन, स्टैंडर्ड डिविएशन तथा मीन, नीचे दिए गए हैं, इनका सही क्रम कूट का प्रयोग करते हुए दर्शाइए। ये सांख्यिकी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका सही क्रम हो जाएगा गो। क्या होगा गो, आपका सही क्रम है, यानी कि सबसे पहले चौथा होगा सार्थकता परीक्षण, उसके बाद पहले सार्थकता परीक्षण होगा, फिर तीसरा होगा, फिर पहला होगा दो वेरिएबल के मध्य सहसंबंध हम निकालेंगे, ठीक है। पहले हम सार्थकता परीक्षण करेंगे, फिर दोनों के बाद कोऑर्डिनेशन कोरिलेशन सहसंबंध निकालेंगे, उसके बाद अपवर्तक विभिन्नता निकालेंगे, उसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी का अपवर्तक निकालेंगे। नेक्स्ट है विभिन्न परीक्षण विधियों में प्रयुक्त मांसपेशीय संकुचन नीचे दिए गए हैं, ठीक है। विभिन्न परीक्षण विधि जो होता है स्पोर्ट ट्रेनिंग में, तो उसे मांसपेशी संकुचन को नीचे दिया गया है, तथा मांसपेशी संकुचन के नाम कूट में दिए गए हैं, सही क्रम का आपको पता लगाना है, ठीक है। तो दोस्तों यहां भी हम बता देते हैं, टाइम इतना नहीं है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसे डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर देते जा रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। कैसे होगा अभी देखते हैं। तो आपका पहला क्या है, लगातार सर्वाधिक दबाव के चलते मांसपेशी छोटी होते हुए समस्त जोड़ों के कोरों पर संपूर्ण गतीय फैलाव पैदा करती है। तो ये मशीनों उपकरणों के साथ होता है, पानी वाले खेलों में ज्यादा दबाव ये सब चीज होते हैं, और गति बरकरार रहती है, तो ये होता है आइसोकाइनेटिक। क्या होता है, आइसोकाइनेटिक हो जाएगा, ठीक। एंड दूसरा है लगातार दबाव के चलते संकुचन के समय मांसपेशी सिकुड़ जाती है। तो संकुचन के समय मांसपेशी सिकुड़ती है दोस्तों, यानी कि छोटी बड़ी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक कहते हैं, ठीक। तीसरा है बिना वाय लंबाई बदले मांसपेशी संकुचन होता है, यानी कि लंबाई नहीं बदलती है, सेम होती है, कोई चेंज नहीं होता है लंबाई में, ना छोटी होती है ना बड़ी, उसको कहते हैं आइसोमेट्रिक, यहाँ पे आइसोमेट्रिक हो जाएगा। फिर होता है संकुचन के समय मांसपेशी लंबी हो जाती है, जैसे कि आइसोटोनिक दो प्रकार का होता है, कंसेंट्रिक इसेंट्रिक, कंसेंट्रिक में छोटी हो जाती है, इसेंट्रिक में लंबी हो जाती है, यहाँ पे हो जाता है एक्सेंट्रिक, ठीक है। इस प्रकार आंसर नंबर घ आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष में व्यवसायिक तैयारी हेतु चलाए जाने वाले कोर्स नीचे दिए गए हैं, कोड का प्रयोग करते हुए इनकी नियंत्रण संख्या आपको बताना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपका
क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए, इसका राइट आंसर होगा आपका घ। इसके बाद हम बताते हैं, जैसे कि सीपीएड है, सीपीएड का नियंत्रण संस्था कौन है? राज्य शिक्षा बोर्ड। एंड बीपीई का नियंत्रण संस्था है विश्वविद्यालय। एंड कोचिंग डिप्लोमा का है SIA। एंड एमपीएड का है NCT। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्राम्यूरल समिति में सम्मिलित होते हैं। इंट्राम्यूरल जो होता है संस्था के अंतर्गत यानी चार दीवारी के अंदर प्रतियोगिता होती है, और एक्स्ट्राम्यूरल होता है जो दो संस्थाओं के बीच प्रतियोगिता होती है। तो इंट्राम्यूरल समिति में सम्मिलित होते हैं तो कौन सम्मिलित होते हैं? आपका कूट का प्रयोग करके आंसर देना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख राइट होगा, यानी कि इसमें 2 और 3 राइट है। 2 क्या है? अंतः संकाय निदेशक, अंतः संकाय सचिव इसमें शामिल होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित का पंचांगीय दर्शन कोड में दिया गया है, सही उत्तर चुनें। यानी कि कौन किसका स्थापना हुआ है इसका दिया गया है। तो जैसे कि आप सबको पता ही है राष्ट्रमंडलीय खेल जो है कब स्थापित हुआ है? 1930 में। कब? 1930 में। एशियन खेल कब स्थापित हुआ है? 1951 में। कब से शुरू हो रहा है? 51 में। अर्जुन पुरस्कार कब से शुरू है? 1961 में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में। इस प्रकार आपका वो राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है एड्स किस माध्यम से संचारित तो होता है? तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ग, 2 और 3 यानी रक्त आधान से। ठीक है, 2 और 3 यानी कि रक्त आधान से और शारीरिक संबंध से, और तीसरा होता है मां शिशु में मां के द्वारा। इन 3 माध्यम से एड्स फैलता है और चौथा कोई माध्यम नहीं होता है। ये 3 माध्यम से कोई एक माध्यम दिख जाए तो आपका राइट होगा, या तीनों माध्यम दिखे तो वो राइट होगा। नेक्स्ट है मोटिवेशन शब्द किसके साथ संबंध है? तो दोस्तों उत्तेजक क्रिया, मोटिवेशन एक उत्तेजक क्रिया है, किसी कार्य को करने के लिए उत्तेजना और प्रेरणा पैदा करता है। तो उत्तेजक क्रिया और प्रेरणा, यानी 1 और 3 आपका राइट होगा। 1 और 3 आपका राइट होगा। 1 और 3 किसमें दिया है? क में। नो, 1 और 3 किसमें दिया है दोस्तों? घ में। यानी 1 और 3 राइट होगा। मोटिवेशन शब्द किसके साथ संबंध है? उत्तेजन क्रिया और प्रेरणा से। ठीक है, नेक्स्ट है प्रदर्शन बढ़ाने हेतु संज्ञानात्मक हस्तक्षेप योजना में क्या सम्मिलित नहीं है? तो आपको देखना है प्रदर्शन बढ़ाने वाले संज्ञानात्मक हस्तक्षेप योजना में क्या सम्मिलित नहीं है, इसको आपको देखना है। तो इसमें सम्मिलित नहीं है स्वयं वार्ता। अब क्या सम्मिलित है? ऑटोजेनिक परीक्षण, मानसिक अभ्यास, प्रतिबिंबित अभ्यास, ये सम्मिलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशिक्षण स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग का क्या कारण है? तो प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहते किसे हैं? पुरानी सीख को नवीन अवस्था में प्रयोग करना ही प्रशिक्षण का स्थानांतरण होता है। यह सकारात्मक, ऋणात्मक एंड शून्य स्थानांतरण होता है। यदि पहले का सीखा हुआ ज्ञान नवीन कार्य करने में सहायता करे तो वो सकारात्मक स्थानांतरण हुआ। यदि पहले का सीखा हुआ ज्ञान नए कार्य में बाधा उत्पन्न करे तो उसे कहते हैं ऋणात्मक स्थानांतरण। यदि पहले का सीखा हुआ ज्ञान नए कार्य सीखने में न तो बाधा उत्पन्न करे न सहायक हो तो उसे कहते हैं शून्य स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायलाव के अनुकूलन यानी कंडीशन सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? तो इनको कंडीशनिंग थ्योरी का दूसरा नाम है, इनके सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। जबकि रूसो क्या कहते हैं इसकी वजह से सिद्धांत को? सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, और पायलाव के सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया। कंडीशन थ्योरी इन्होंने दिया है अनुबंधन का सिद्धांत, तो संस्थापित अनुकूलन इनको, इनके सिद्धांत को संस्थापित अनुकूलन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है भार का किसके प्रदर्शन पर मिश्रित प्रभाव पड़ता है?
भार का किसके प्रदर्शन पर मिश्रित प्रभाव पड़ता है? छोटे बच्चों पर, क्योंकि उच्च वर्ग के सहन कर जाएंगे, छोटे बच्चे सहन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के संदर्भ में काल विभाजन चक्र यानी कि प्रियोडाइजेशन की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है? तो दोस्तों, यह एक प्रियोडाइजेशन के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो यह समानता क्रम स्पर्धाएं प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। इसके तीन फेजेज होते हैं, प्रिपरेटरी पीरियड यानी जिसमें तैयारी किया जाता है, दूसरा कंपटीशन पीरियड जिसमें कंपटीशन किया जाता है, तीसरा रिकवरी पीरियड जिसे ट्रांजिशनल पीरियड भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत तीन ट्रेनिंग साइकिल होता है, मैक्रो चक्र, मीजो चक्र और माइक्रो चक्र। नेक्स्ट है, खेल की चोटों की चिकित्सा में सर्वप्रथम पद क्या होता है? एथलेटिक्स प्रकार की जो भी चोटें होती हैं, सबसे पहले उसमें क्रायोथेरेपी यानी कि बर्फ की चिकित्सा दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी मनुष्य रचित स्वास्थ्य आपदा है? तो दोस्तों, वन, अग्नि, चक्रवात, धरती खिसकना, ये प्राकृतिक आपदा है, बट मनुष्य रचित में आपका हो जाएगा विघटनाभिक रेडिएशन। नेक्स्ट है, मैकडोनाल्ड टेस्ट का प्रयोग होता है दोस्तों, तो सॉकर यानी फुटबॉल टेस्ट है। मैकडोनाल्ड टेस्ट क्या है? फुटबॉल टेस्ट है। मैकडोनाल्ड टेस्ट आपका फुटबॉल टेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक शैशवावस्था में एनारोबिक व्यायाम से विकसित होने वाली मांसपेशी होती है, तो वह होती है मजबूत। क्या होती है? मजबूत होती है। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा के कौशल सीखने की सर्वोत्तम विधि कौन है? आप सबको पता है, वह है प्रदर्शन विधि, ठीक है। कौशल सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। नेक्स्ट है, फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट किस खेल से, स्किल टेस्ट से रिलेटेड है दोस्तों, फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट। तो यह फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट जो है किससे रिलेटेड है? यह बैडमिंटन से रिलेटेड। किससे? बैडमिंटन से रिलेटेड। बैडमिंटन से रिलेटेड है फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट, लोकार्ट, एमसी फेसन एंड मिलर वाल वाली टेस्ट। नेक्स्ट है, यदि विद्यार्थी गलती करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे डांटना चाहिए कि दंड देना चाहिए कि माता पिता से शिकायत करनी चाहिए कि मार्गदर्शन या परामर्श देना चाहिए? तो उसे मार्गदर्शन या परामर्श देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सारे शिक्षा के संस्थानों को स्थापना वर्ष के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। तो दोस्तों, आपको देखना है कि बढ़ते हुए क्रम में यानी कि सबसे छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका YMCA की स्थापना हुआ था 1920 में। कब हुआ था? 1920 में, ठीक है, 1920 में हुआ था। एंड एलियंस, उसके बाद आपका हो जाएगा, पहले नंबर पर आपका होगा डी, ठीक है, पहले नंबर पर डी होगा। उसके बाद आपका होगा बी। क्या होगा? बी। ए हुआ था 1957, ठीक है, एलियन आईटीई ग्वालियर 1957 दूसरे नंबर पे हो जाएगा। एंड तीसरे नंबर पे हो जाएगा आपका ए, एनआईएस पटियाला जो है 1961, ठीक है, 1961। तीसरे नंबर पर होगा, चौथा नंबर पर होगा एलएनसीपीई त्रिवेंद्रम में 1978 में, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ग। राइट आंसर हो जाएगा ग, डीबीसीए, ठीक है। नेक्स्ट है, मूवमेंट शिक्षा के पाठ्यक्रम में होना चाहिए। तो मूवमेंट शिक्षा के पाठ्यक्रम में होना चाहिए तो प्राथमिक विद्यालय में। किसमें? प्राथमिक विद्यालय में। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा कक्षा के लिए आवश्यक है। तो आयु के, शारीरिक शिक्षा कक्षा के लिए आवश्यक है, आयु पर भी विचार करेंगे, लिंग पर भी विचार करेंगे, जगह पर भी विचार करेंगे, तो उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम योजना की शुरुआत किस स्तर से होती है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम योजना की शुरुआत प्राथमिक स्तर यानी एक कक्षा एक से पांच तक के स्तर से होती है। नेक्स्ट है व्यवसायिक प्रशिक्षण के आचरण में क्या नहीं होना चाहिए। तो व्यवसाय करने के लिए निष्ठा पारदर्शिता ईमानदारी होना चाहिए। शैक्षिक उपलब्धि आपका राइट नहीं है। नेक्स्ट है समपदस्थ स्कूल हेल्थ का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कंपोनेंट नहीं है। तो कौन सा इसमें प्रमुख कंपोनेंट नहीं है, विद्यार्थियों का स्वास्थ्य बीमा यहाँ पे प्रमुख कंपोनेंट नहीं है सारी शिक्षा हेल्थ के लिए। कौन है संपदस्थ स्कूल हेल्थ के लिए प्रमुख कंपोनेंट, सारी शिक्षा है एंड डिस्ट्रिक्ट स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा है, विद्यालय का स्वास्थ्य वातावरण है, ये तीनों है। नेक्स्ट है सारी दुनिया के लिए निम्न में से कौन सी वातावरणीय परेशानी प्राण घातक है। तो दोस्तों सभी के लिए ओजोन रिक्ति परत जो है यह प्राण घातक है। ओजोन परत में छेद होने के कारण जो ओजोन परत की अल्ट्रावायलेट रेंज यानी किरण होती है वो पृथ्वी पर आएंगी, जिससे पृथ्वी गर्मी से त्रस्त होकर के विनाश की ओर होने लगेगा। नेक्स्ट है हीमोफिलस टाइप बी हीव को बेहतर समझाया जा सकता है कि वह एक तरह का क्या है। तो वह एक तरह का इन्फ्लुएंजा है। इन्फ्लुएंजा जो है वह बैक्टीरिया वायरस से फैलने वाला रोग है, विषाणु से फैलने वाला रोग है इन्फ्लुएंजा, जो आर्थ्रोमिक्सोवरिडो वायरस से फैलता है। और जो इन्फ्लुएंजा श्वसन तंत्र से रिलेटेड रोग है, इसमें छींक, त्वचा में खरास, आंख व नाक से द्रव बहना, भूख न लगना आदि इसके लक्षण होते हैं। तो दोस्तों ये था आपका 50 एमसीक्यू क्वेश्चन। 50 के 50 क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। सभी क्वेश्चन टफ थे, कोई भी इजी लेवल पे नहीं था। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आप डेली बेसिस पे सॉल्व करते रहेंगे तो इजी क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और इसी तरह डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ, अवश्य सफल होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए।